हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गूगल ड्राइव ऐप कैसे यूज़ करते हैं यह बताऊंगा। गूगल ड्राइव ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है। इसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर करके रखना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एसडी कार्ड नहीं है, ठीक है, मेमोरी कार्ड नहीं है, तो हम जो भी चीज़ स्टोर करके रखना चाहते हैं हम गूगल ड्राइव में कर सकते हैं, ठीक है। गूगल ड्राइव एक तरीके से मेमोरी स्पेस का ही काम करता है, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें दो फोल्डर बना रखे हैं, एक एम पी आई ज्ञान करके, एक शिवम नाम से, ठीक है। एम पी आई ज्ञान में मैंने कुछ अपने काम से रिलेटेड जो भी चीज़ मुझे ज़रूरी लगती है मैंने वो इसमें स्टोर करके रख दी है। ऐसे ही शिवम फोल्डर में मैंने स्टोर करके रख दिया कुछ चीज़ें, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ अगर इस फोल्डर के अंदर क्या है, तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं कोई नया फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ तो इस प्लस के सिंबल पर भी क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ये नीचे प्लस दिख रहा है, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं अगर लिंक शेयर करना चाहता हूँ किसी भी फोल्डर की, जैसे एम पी आई ज्ञान की, मैं कोई लिंक शेयर करना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और शेयर लिंक पे का ऑप्शन आएगा। और मैं जिस चीज़ से शेयर करना चाहता हूँ, ट्वीट करना चाहता हूँ या व्हाट्सएप से शेयर करना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, तो मैं उस चीज़ से शेयर कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं अभी नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ प्लस पर क्लिक करके। जी मैं अब इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ एबीसी नाम दे दिया, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं, एबीसी नाम का मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया जी। तो अब आप देख सकते हैं फोल्डर क्रिएट हो गया है। मैं इस पर खोल के देखता हूँ तो ये खाली है। मैं इसमें अपलोड करना चाहूँ कोई भी चीज़ तो अपलोड पर ऑप्शन कर सकता, ठीक है। अपलोड पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शंस दिखा देगा। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ तो वीडियो पर क्लिक कर दूंगा, इमेज करना चाहता हूँ इमेज पे, या ऑडियो करना चाहता हूँ तो ऑडियो पर क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी देख सकता हूँ मैं क्या चीज़ अपलोड करना चाहता हूँ। इमेज अपलोड करता हूँ मान लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसमें अगर अपलोड कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है, क्योंकि जो भी कुछ हम अपलोड करते हैं वो ऑनलाइन गूगल पे अपलोड होता है, ठीक है। ये मेमोरी कार्ड तो है, मेमोरी तो है, लेकिन ये इंटरनेट के जरिए ही चलती है। अब मैं इसका नाम, फाइल का जो भी नाम है मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो शेड्यूल करके मैंने इसका नाम दे दिया है, ओके कर दिया, ठीक है। तो मेरे इसमें एबीसी फोल्डर में फाइल अपलोड हो चुकी है, अब ये खाली नहीं है, ठीक है। और मैं इसको लिंक को शेयर करना चाहता हूँ एबीसी फोल्डर की, तो शेयर लिंक पर क्लिक कर सकता हूँ। और मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट रिमूव ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत ही अच्छा ऐप है, ठीक है। 15 GB कम से कम, मतलब मिनिमम 15 GB मुझे ये दे रहा है, ठीक है। मैं 15 GB तक फाइल्स इसमें अपलोड कर सकता हूँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसमें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।